हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको मसाला मैक्रोनी बनाना बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने गैस पर फ्राई पैन को चढ़ा दिया है। इसमें हमने करीब 1 लीटर पानी डाल दिया है। जब ये पानी खौलने लगेगा तब हम इसमें मैक्रोनी डालेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। अब इसको अब हम अच्छे से खोलने देंगे। पानी अच्छे से उबल गया है। अब हम इसमें मैक्रोनी डाल देंगे। मैक्रोनी डालने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। हमने इसमें रिफाइंड ऑयल और नमक इसलिए डाला है कि ये आपस में एक दूसरे में चिपके नहीं और हमारी मैक्रोनी बहुत अच्छे से निकले अलग अलग। मैक्रोनी हमारी अच्छे से गल गई है और इसको हम चम्मच की सहायता से कट करके देखेंगे ये गली है या नहीं। अगर ये कट रही है अच्छे से तो इसका मतलब मैक्रोनी अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम मैक्रोनी को छन्नी की सहायता से छान कर और ठंडे पानी में डाल देंगे और इसका जो पानी है उसको हम फेंकेंगे नहीं। हमने मैक्रोनी को ठंडे पानी में डाल दिया है और इसका जो पानी था उसको हमने बचा के रख लिया है। अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे। हमने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है। आप इसमें बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें आधा चम्मच करीब जीरा डाल देंगे। 2 कली लहसुन हमने काट के रखा था वो इसी में हम डाल देंगे और हमने कुछ अदरक के टुकड़े काटे हैं उनको भी इसी में डाल देंगे और हमने 1 प्याज काट के रखा है ये भी इसी में मिक्स कर देंगे। प्याज को हम हल्का भूनेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम भून लेंगे। अब हम इसमें 1 हरी मिर्च काट के डाल देंगे। अब हम इसमें करीब 1 या 2 टमाटर काट के डाल देंगे। इसको भी हम अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच करीब नमक डाल देंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। करीब 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम ढक के पका देंगे। टमाटर थोड़ा सा गल गया है। अब हम इसमें हमने आधी शिमला मिर्च काट के रखी है इसको भी हम इसी में डाल देंगे और इसको हम करीब 1 मिनट के लिए पकाएंगे। प्याज और शिमला मिर्च ज़्यादा पकाने से इसका क्रंचीनेस ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम प्याज और शिमला मिर्च को ज़्यादा देर पकाएंगे नहीं। अब हम इसमें करीब 2 से 3 चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे। अब हम सबको अच्छे से मिला देंगे। और जो हमने मैक्रोनी का पानी निकाल कर रखा था उसको करीब आधा कप इसी में मिक्स कर देंगे। आधा कप हम इसमें मैक्रोनी से जो निकाला हुआ पानी है वो उसको हम डाल देंगे। अब हम इसमें मैक्रोनी डालेंगे जिसको हमने ठंडे पानी में डाला था, हमने उससे निकाल करके अब हम इसमें डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे।
अब मैक्रोनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें करीब 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी डालने से इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा। तो लीजिए, हमारी मसाला मैक्रोनी बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।